का हाल बा भाई लोग। उम्मीद करो तुम सबके बड़े अच्छा हो और हमेशा अच्छा रहेगा चाहे। तब भाई लोग एगो भैया हमारे पे कमेंट कहले बाटे राजन पाठक। भैया कमेंट कहले बाटे कि हम हमेशा तुम्हारे एक ही कंटेंट रहता है गोरखपुरिया भौजी। तो ए भैया मान लीजिए हमें हमेशा गोरखपुरिया भौजी को ही रोस्ट करते हैं, यानी कि हम रोस्ट नहीं करते हैं। अब आप लोग रोस्ट को भुला जाइए। अगर आप हमारा वीडियो रोस्ट के तरीके से देखते हैं तो आप हमारे वीडियो को मतलब आप हमारे रोस्ट वीडियो को मत देखिए भाई। हम रोस्ट किसी को नहीं करते, हम समझाने की कोशिश करते हैं, जितनी नॉलेज है उतना ज्ञान फेंकते हैं। अब आप पूछ रहे हैं बार बार कि आप गोरखपुरिया भौजी गोरखपुरिया भौजी, तो क्या आपको राजन पाठक जी क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो मुहिम छिड़ता है, जो कंट्रोवर्सी छिड़ता है गोरखपुरिया भौजी के मतलब है गोरखपुर से ही उठता है। तो जब भाई गोरखपुर से उठेगा तो हमारा काम है समझाना, क्योंकि मेरा मतलब गोरखपुरिया जैसे गोरखपुर वैसे खलीलाबाद, गोरखपुर खलीलाबाद में अंतर कुछ नहीं है। क्योंकि जब गोरखपुर के लोग यूट्यूब पे बहुआते हैं ना तो खलीलाबाद वाले बहुआते हैं, जब खलीलाबाद वाले बहुआते हैं तो गोरखपुर वाले बहुआते हैं। बाकी आप जो भी कमेंट करते हैं सोच समझ के कमेंट करिए मर्दे। हम मानते हैं आप बहुत अच्छे हैं, आप हमारे वीडियो देखते हैं, इसके लिए दिल से थैंक यू भैया। लेकिन आप कहीं ना कहीं देखिए कि जो मुहिम जो कंट्रोवर्सी उठ रहा है ये ठीक गोरखपुरिया भौजी रूपतारा ब्लॉग फलानवा ढेकनवा के मतलब दोनों लोग के बीच में उठा था, तो हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे। आप सोचते हैं गोरखपुरिया भौजी का नाम लेकर हम सुपर स्टार हो गए? नहीं महाराज, हमें किसी का नाम लेकर सुपर स्टार नहीं होना है। अगर हमारे नसीब में नहीं होगा स्टार बनना तो हम नहीं बनेंगे यार, ऊपर वाले हैं। अगर हमारे नहीं नसीब में होगा कि हम सुपर स्टार बन जाए, हमारा वीडियो चले, हम यूट्यूब से कुछ अर्निंग करें तो नहीं होंगे, इसमें कौन सी बात है। आपके दुआ आशीर्वाद से हम हो जाएंगे भैया। आप ऐसे ऐसे कमेंट करते भैया, और जितने पब्लिक से हम इतना प्यार आप सबसे इतना मान सम्मान प्यार करते हैं, आप सबको देखने के बाद मन नहीं करता है कि यार छोड़ दे, बट क्या करते हैं वीडियो बहुत देर का हो जाता है भैया। तो राजन पाठक भैया आप ऐसा कमेंट कर ले। बाकी बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि मैं सिर्फ गोरखपुरिया भौजी को ही क्यों कॉन्टेंट उठाता है, क्यों गोरखपुरिया भौजी का ही कॉन्टेंट उठाता हूँ। तो पहले आप उस चीज़ को समझिए यार, पहले चूज के क्या महाराज। अगर आप अश्लीलता को दबा रहे हैं तो सबसे बड़ा गुनहगार आप ही हैं महाराज। बाकी उम्मीद है आप सब ऐसे कमेंट नहीं करेंगे। अगर आप भैया फिर से वीडियो देखे हो तो हमारे वीडियो पे कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा आज का, बट उम्मीद है कि अच्छा ही लगेगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब